कि ओवैसी की जो जुबान खुली है और वो मैं समझता हूं कि जो कानून आड़े आ जाए उसे धर्म से जोड़ देते हैं और कानून का पालन करना सबका कर्तव्य है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मैं नहीं जानता कि सिटी मजिस्ट्रेट ने कौन सा कानून, कौन सी पत्र निकाला है, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर कानूनन उन्होंने दी है तो कानून का पालन करना चाहिए। नवाज पढ़ने के लिए कोई जरूरी है कि आप पार्क को कब्जा कर लें? आप अपने घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, जहां हो वहां पढ़ें। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कानून आ जाए तो उसे धर्म से जोड़ दें, ये नहीं चलेगा। धर्म एक चीज कही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कांवड़ियों के लिए सोफ रहता है और एक विशेष ये आरोप लगाने का काम ना करें। ये इमरान खान की आवाज ना बने, जो पाकिस्तान बोल रहा है वो ना बोलें। भारत ऐसा सौहार्द नहीं रहा। पाकिस्तान में 22-23% हिंदू गए थे, आज 1% से नीचे हैं। सैकड़ों मंदिरें ढह गई, भारत में लाखों मस्जिदें बन गई। हम तो प्यार से गले लगाए हुए हैं। और कमरिया को कि अगर जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है? भारत में कमरिया नहीं जाएगा तो क्या, कहाँ जाएगा? उनकी चलने से नहीं, वो कह रहे हैं उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं और लाठी बरसाए जाते हैं। और भारत में नहीं बरसेगा तो कहाँ बरसेगा?